आज का प्रातः क्लास है 4 नवंबर 1968। रूहानी बाप, तुम बच्चों को सदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बनाने वाला कौन और किसको बनाते हैं? बनाने वाला है रूहानी बाप। और बनाते हैं बच्चों को तो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे होने चाहिए। रूहानी बाप के बच्चे जिस्मानी होंगे क्या? जैसा बाप वैसे बच्चे? बाप सांप तो बच्चा भी सांप। बाप हाथी तो बच्चा चींटी, बच्चा भी हाथी। तो यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी बनाने वाला बाप है और रूहानी बाप है, रूहों का बाप है। रूह अर्थात आत्मा, देह तो नहीं। देहों का बाप है, देहों का बाप नहीं है, रूहानी बाप है। रूह अविनाशी है, रूहों का बाप भी अविनाशी है। देह विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी। जन्म जन्मांतर भी नहीं रहेगी। देह रहेगी नहीं रहेगी, क्या रहेगी? आत्मा तो रहेगी। तो आत्मा स्व है। अपनापन किससे है, देह से या आत्मा से? अपनापन देह से नहीं है, देह में लगाव हो गया है। अपनी देह में, दूसरों की देह में, देह के पदार्थों में, तो उनको अपना समझते हैं। लेकिन देह ही अपनी नहीं है। आज दिखाई पड़ रही है, कल एक्सीडेंट हुआ, खेल खलास, एक सेकंड का भी पता नहीं है कि ये देह हमारी है या तो देह के पदार्थ हमारे हैं, देह के संबंधी हमारे हैं, वो भी नहीं है। तो स्व माने अपनी क्या है? आत्मा। और अपना है बाप। आत्मा का बाप कौन? रूहानी बाप, वो भी अपना है। जो 99 साल अपना रहे और 100वीं साल में पराया हो जाए तो उसे अपना कहे या पराया कहे? अंतमते सुगते हो गई। लेकिन एक ही बाप ऐसा है जो आज भी अपना है, कल भी अपना रहेगा और परलोक में भी अपना रहेगा। वो कभी पराया नहीं होता। तो वो बाप जो सदैव अपना है, रूहानी बाप, वो हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र। 84 के चक्र में हमारी आत्मा ने कैसे कैसे पार्ट बजाया है वो बताते हैं। एक जन्म की बात नहीं बताते। आत्मा ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो अविनाशी पार्ट की बात बता करके
हम आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन गुरुओं ने क्या समझ लिया कि भगवान ने कोई रथ का पहिया लिया और वो घुमाया, वो स्वदर्शन चक्र था। अब उस रथ के पहिए की बात नहीं है, ये शरीर रूपी रथ है। शास्त्रों में क्या कहा है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु, शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो ये शरीर रूपी रथ है, इस रथ में ये स्व आत्मा बैठी हुई है। ये आत्मा को 84 के चक्र में कैसे हम अपना पार्ट बजाते हैं वो बाप बताते हैं। अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। क्या 84 के चक्र में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। ये सृष्टि क्या है, स्टेज है ड्रामा का, ये दुनिया विराट ड्रामा है। इस ड्रामा में हम आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं वो सारे चक्र को हम जान जाते हैं। किसके द्वारा, बाप के द्वारा। आगे नहीं जानते थे, आगे जानते थे, आगे नहीं जानते थे। बाप मिला तो हमको रियलाइज कराता है कि हम 84 के चक्र में आने वाले हैं, कम जन्म लेने वाले हैं या ज्यादा जन्म लेने वाले हैं। 84 से ज्यादा जन्म तो मिलते नहीं। क्या वो गुरु लोग तो बताते हैं लाखों वर्ष है ये चक्र चलता है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात कोई बता भी नहीं सकता। क्या ये चक्कर तो कोई बुद्धि में लाखों वर्ष का घुमा ही नहीं सकता। वो तो इसलिए कह देते हैं कि किसी को बताना न पड़े, कोई पूछे ये लाखों के चक्कर की हमें बात समझाओ तो समझा सकेंगे नहीं। ये 84 का सिर्फ चक्कर है जिसमें सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कैसे कैसे हमने जन्म लिए हैं। जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते हमारी आत्मा की बैटरी कैसे कैसे खाली होती गई। तो बैटरी खाली होगी तो शक्ति कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, शक्ति कम हो गई, होती चली गई। तो जब शक्ति कम होती चली गई तो सतयुग के मुकाबले नीचे के युगों में हमारी आयु क्षीण हो जाएगी या बढ़ेगी, क्षीण हो जाएगी। उन्होंने तो शास्त्रों में लिख दिया द्वापर युग में ऐसे ऐसे महात्माएं होते थे जिनकी हजारों साल उम्र होती थी। बाप कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। क्या सतयुग में भी आयु निर्धारित है एवरेज एज आत्मा की, फिर त्रेता में भी निर्धारित है। हाँ सतयुग के मुकाबले कम होगी क्योंकि आत्मा की बैटरी सुख भोगते भोगते शरीर से ही सुख भोगा जाता है ना, तो शरीर से सुख भोगते भोगते आत्मा की बैटरी क्षीण होती है। द्वापर में और भी क्षीण हुई तो और ये एवरेज एज कम हो जाती। कलयुग में एवरेज एज 30 साल रह गई। मनुष्य की एवरेज कितनी अभी आज दुनिया में, 30-40 साल से ज्यादा नहीं है। भले रूस में ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी 100-125 साल एज भी होती है, लेकिन वो तो सिर्फ मात्र रूस में, वो तो अंतिम क्षण में उतरने वाली आत्माएं हैं रूस वाली। कब से, जब से स्टालिन और लेनिन आया, वो भगवान को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, नास्तिक। ऐसे किस्म की जो आत्माएं हैं वो लास्ट में उतरती हैं इस सृष्टि पर। कहां से आती है, उस धाम से आती है जो हम आत्माओं के बाप रूहानी बाप का घर है।
आत्माएं सब आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। वापस जाने का किसी को रास्ता? इसलिए दुनिया की आबादी घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती रहती है। सतयुग में सिर्फ 9 लाख सितारे थे इस धरती पर, जो सदा चमकने वाले सितारे हैं। वो आसमान के सितारे हैं, वो तो जड़ हैं, और ये धरती के सितारे हैं जो 84 का पूरा चक्र लगाने वाले हैं। उनकी आयु सतयुग के पहले जन्म में 150 वर्ष से भी ऊपर थी। फिर और आत्माएं उतरी, जन्म बाई जन्म सतयुग में उतरती चली गई। तो जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। और एवरेज एज घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो पहले जन्म के मुकाबले सतयुग के आखिरी जन्म में एवरेज एज कम हो जाती है, त्रेता में एवरेज एज और कम होगी। उतरने वाली आत्माओं की संख्या ढेर की ढेर बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में श्रेष्ठ ज्यादा होते हैं या निष्कष्ट ज्यादा होते हैं? प्रजा ज्यादा होती है या राजघराना ज्यादा होता है? प्रजा वर्ग की आत्माएं थोड़ी सी होती हैं, बहुत ढेर होती है, और राजा वर्ग की राज परिवार की आत्माएं बहुत थोड़ी होती है। तो जो सतयुग आज के बच्चे हैं उनको बाप आकर के पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं तुम मेरे रूहानी बच्चे हो, रूह की स्टेज में टिकने वाले तुम हो, तुमको मैं पढ़ाता हूं। क्या 84 के चक्कर की बात तुमको बताता हूं, तुम फिर औरों को बताते रहना। सतयुग के से लेकर के त्रेता द्वापर और कलयुग के अंत तक ऊपर से नीचे तक आने वाली आत्माओं की संख्या 500-700 करोड़ हो जाती है। अभी कितनी आबादी है? 700 करोड़। अभी 600 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 700-750 करोड़ जैसी आत्माएं जो सिर्फ एक ही जन्म लेंगी। जैसे रात में बरसात में क्या होता है, पतंगे होते हैं ना, रात में जन्म लेते हैं और सवेरे आप पढ़े हुए इधर उधर खलास हो जाते हैं। ऐसे ही कलयुग के अंतिम जन्म के अंतिम क्षणों में ढेर की ढेर आत्माएं उतर पड़ेंगी, लेकिन वो तो कीड़े मकोड़े हैं, वो ज्ञान उठाएंगे नहीं। वो ज्ञान उस तरह का ज्ञान नहीं उठाएंगे जिस तरह की गहराई का ज्ञान तुम बच्चे उठाते हो। तुम हो पूरे सुदर्शन चक्रधारी विष्णु की औलाद, वैष्णव संप्रदाय, विष्णु के बच्चे वैष्णव, शिव के बच्चे शैव, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। तो अभी ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं। ये ब्रह्मा और ब्राह्मण से बने हुए बच्चे जो हैं वो ही वैष्णव संप्रदाय बनेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है तो ब्राह्मण सो वैष्णव संप्रदाय बनते। तो बताया कि तुम वैष्णव संप्रदाय बच्चे जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हो, तुम पहले पहले विष्णु संप्रदाय थे कि शैव संप्रदाय थे? किसके बच्चे थे? हर एक बच्चा अपने बाप को फॉलो करता है, फॉलो करने वाले को फॉलोअर कहा जाता है। तो तुम विष्णु संप्रदाय से भी ऊपर शैव संप्रदाय वाले थे। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः, शंकर को सबसे ऊपर रख देते हैं, देव देव ब्रह्मा देव, फिर ऊपर विष्णु देव, फिर उससे ऊपर महादेव। तो महादेव शिव की कोटि का हो गया, दोनों एक नहीं है। शिव भगवान है, वो सदैव कल्याणकारी है,
आज भी कल्याणकारी, कल भी कल्याणकारी और आगे भी कल्याणकारी, और कल भी कल्याणकारी था, एक क्षण भी अकल्याणकारी नहीं। लेकिन वो जब इस संसार में आता है तो एक आत्मा जिसमें प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथधारी वो व्यक्तित्व है जिसे मुसलमान लोग आदम कहते हैं, सृष्टि का पहला पुरुष, आदम की औलाद आदमी। हम सब क्या हैं? आदम की औलाद हैं। क्रिश्चियन लोग उसको कहते हैं एडम, जैनी लोग उसको कहते हैं आदिनाथ, हिंदुओं में कहा जाता है आदिदेव, तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण, पुराने से पुराना पुरुष कौन है? वो आदिदेव है। तो उस आदिदेव में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, प्रवेश करके पहले उसको आप समान बनाता है। कैसा बनाता है? आप समान। शंकर है ना, शंकर का काम क्या बताते हैं? शंकर ने क्या किया बड़े से बड़ा काम है जो कोई धर्म पिता ने नहीं किया? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, किसी ने भी नहीं किया, ब्रह्मा ने नहीं किया, विष्णु ने नहीं किया, सब वो उस काम से डरते हैं। वो हिम्मत का काम किसने किया? क्या काम किया है? विष पिया और इस विषैली दुनिया का संहार भी किया। क्या विषय विकारों की दुनिया का क्या किया? संहार भी किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए, उन्होंने अपने अपने धर्म की धारणाएं तो स्थापन कर दी मनुष्यों के बीच में, लेकिन पुरानी परंपराओं का त्याग किसी ने नहीं कराया। पुरानी घिसी पिटी परंपराओं के ऊपर गुरु लोग चलते रहे, अपने फॉलोअर्स को चलाते रहे, क्योंकि डरते थे, क्योंकि पुराने जो धर्म गुरु बैठे हुए हैं अगर हम उनका मुकाबला करेंगे तो वो हमको ऐसे ही निचोड़ देंगे। तो कोई ने भी मुकाबला नहीं किया, कोई ने अधर्म का विनाश नहीं किया। जो भी धर्म आए वो सब झूठ की ओर बढ़ते चले गए, असत धर्म बनते चले गए। नई चीज सत्व प्रदान होती है, पुरानी चीज सत्व प्रदान होती है। नया मकान है, है? छोटा बच्चा है, सुखदाई होगा या दुखदाई होगा? सुख देता है। जो जो पुराना होता जाएगा दुखदाई। दुनिया की हर चीज की यही हालत है। क्या पहले सुखदाई, फिर जितना पुराना हो गया लास्ट में दुखदाई। तो ये दुखदाई जो सृष्टि है उसमें ये धर्मों की भी यही हालत है, सभी धर्मों की ये हालत है, चाहे इब्राहिम का इस्लाम धर्म हो, चाहे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म हो। इधर आ जाओ, इधर जगह दे दो थोड़ी सी। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ो, जगह दे दो, निकलने की जगह दे दो, अंदर चली जाओ, अंदर चली जाओ, आप पीछे हट जाओ ना फिर। अच्छा आप अंदर चले जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, जाओ। हाँ जी, तो बताया दुनिया की हर चीज पहले सुखदाई सत्व प्रधान, फिर अंत में दुखदाई तमो प्रधान बन जाती है। तो धर्म भी, जितने भी दुनिया में धर्म है वो पहले पहले
सुखदाई, धर्म पिताएं भी सुखदाई थे। फिर उनके जो भी फॉलोअर्स आते गए वो नीची कोटि के होंगे या ऊंची कोटि के होंगे, उन्होंने डब्बा गोल कर दिया, सब धर्म अभी असत धर्म बन गए। पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। उन तमो प्रधान धर्मों की तमो प्रधानता को खंडन करने का साहस किसी के अंदर नहीं था, कोई धर्म पिता के अंदर नहीं, कोई महात्मा के अंदर नहीं, कोई विद्वान पंडित आचार्य के अंदर नहीं। सिर्फ बोलते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, लेकिन खंडन किसी के बस का होता नहीं। अंत में जो जब परम पिता परमात्मा आता है, रूहों का बाप, रूहानी बाप, तो जिस पहले मनुष्य में प्रवेश करता है वो तो जानता है ना, इतनी बड़ी 500-700 करोड़ की सृष्टि में वो आदम कौन है, वो उसी में प्रवेश करता है। और प्रवेश करके उसको आप समान बनाता है। पहले आप समान का मतलब कैसे, दुनिया में जो भी आत्माएं आई आत्मलोक से, रूहों के लोक से, ब्रह्मलोक से, परमधाम से, इस दुनिया में आके शरीर धारण किया, वो पहले सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी? जब आती हैं तो भगवान के घर से आती है, सतो प्रधान थी। नीचे संघ के रंग में आकर के तमो प्रधान बन गई। तो उन आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती पुराना कौन है? जो भी आत्मा ऊपर से नीचे आई 500-700 करोड़, उनमें सबसे कोई पुरानी आत्मा है शरीर धारण करने वाली? कौन? वो सबसे ज्यादा पुरानी होने के कारण ज्यादा तमो प्रधान बनेगी कि ज्यादा सतो प्रधान बनेगी? ज्यादा, सबसे ज्यादा तमो प्रधान वो बनती है। एक राजा का बच्चा हो और एक साहूकार का बच्चा हो और गरीब के बच्चे हो, ये सारे ही कुसंग में आ गए, चोर डकैत लफंगों के। अब ज्यादा नीचे कौन गिरेगा? राजा का बच्चा ज्यादा नीचे गिरेगा। तो ये मनुष्य सृष्टि में जो पहले पहले आत्मा आदम के रूप में मनुष्यों ने पहचानी, पहला आदमी, वो सबसे पुराना है। और औलाद किसकी है? देवताओं की औलाद है, मनुष्यों की औलाद है, राक्षसों की औलाद है, या भगवान की औलाद है? वो डायरेक्ट भगवान की औलाद है। तो उसमें सबसे जास्ती ताकत होगी या कम ताकत होगी? तो जब कुसंग में आएगा सबसे जास्ती नीचे गिरेगा या कम गिरेगा? सबसे जास्ती पतित से पतित। तुलसीदास जी ने क्या बोला? मैं पतितन को राजा। क्या तुलसीदास ने बोला अपने मुख से? क्या बोला? मैं पतितन को राजा। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? क्योंकि भगवान का महावाक्य है, भगवान खुद आकर के कहते हैं कि जब मैं कलयुग के अंत में इस पुरुषोत्तम संगम के ऊपर आता हूं, तो जिन जिन आत्माओं ने जो जो पार्ट बजाया है वो अपने पार्ट की नामबरी कहो, श्रेष्ठता कहो या भ्रष्टता कहो, वो अपने मुख से अपने शास्त्रों में, लिखे हुए शास्त्रों में उच्चारण करती है। मन अपनी अपनी कथा कहानी संगम युग की अपने अपने शास्त्रों में लिख मारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, सूरदास जी ने सूर सागर लिखा, भागवत किसने लिखी?
सूरदास राम कृष्ण वाली आत्मा ने भागवत लिखी। मीरा ने मीरा के पद गाए। तो अपने से ज्यादा अपने चरित्र को, अपनी जीवन कहानी को कोई दूसरा जान सकता है क्या? तो उन्होंने लिख दिया मैं पतितन को राजा। गलत लिख दिया है सही लिख दिया? सही लिखा। तो बताया आगे तुम नहीं जानते थे कि मैं आत्मा कौन, 84 जन्म लेने वाली या कम जन्म लेने वाली है? आगे तुमको विश्वास नहीं था, आज आज मैं आकर के जब तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूं तो तुमको विश्वास हो जाता है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, 84 जन्म लेने वाली सृष्टि की आदिकाल की आत्मा हूं। मनुष्यों में जो पहला मनुष्य आदम है, उस आदमी का, आदम का बच्चा मैं आदम हूं, आदमी हूं, पहली पहली जनरेशन। और रूहानी बाप की रूहानी औलाद मैं हूं, जो पूरी रूहानी स्टेज में टिकने वाली हूं, एक जन्म भी कम नहीं। क्योंकि अगर एक जन्म भी कम हो जाएगा इसका मतलब रूहानी स्टेज में पूरा टिका नहीं, इसलिए अधूरी सृष्टि में आना होता है। कीड़े मकोड़ों जैसा बनेगा, जानवर जैसे स्वभाव का बनेगा, नरसो नारायण नहीं बन सकता। नरसो नारायण जैसा वो ही बनेगा जो नर से डायरेक्ट नारायण बनने की क्षमता रखता हो, भगवान की पढ़ाई के द्वारा। नर मनुष्य, नारायण देवता। मनुष्य को देवता कौन बनाएगा? ब्रह्मा बनाएगा, वो तो खुद ही देवता है। और नीची कोटि का देवता है विष्णु बनाएगा, वो भी मीडियम कोटि का देवता है। शंकर बनाएगा, चलो ऊंची कोटि का देवता है लेकिन है तो देवता। बनाने वाला उससे ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? बाप पावरफुल होता है या बच्चा पावरफुल होता है? बाप पावरफुल होता है। तो रूहों का बाप, रूहानी बाप, हम मनुष्यों को मनुष्य से नर से क्या बनाते हैं? नारायण जैसा बनाते हैं। सतयुग में नहीं बनाते, वहां तो देवताएं रहते हैं। कहां बनाते हैं? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, जब ये संगम युग होता है, उस संगम युग में आकर के हमको पतित से पावन, नर से नारायण बनाते हैं। ये बात तुम आगे नहीं जानते थे, अब इस बात को जानते हो कि हमको नर से नारायण जैसा बनाने वाला भगवान बाप अब इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो बाप द्वारा ही तुमने इस राज को जाना है ना। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते जरूर हो। क्या कहा? और कोई दूसरी जनरेशन के, दूसरे धर्म के लोग आए या ना आए, लेकिन तुम 84 के चक्र में, 84 जन्मों के चक्र में जरूर आते हो। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा कम पुरुषार्थ किया हो। 9,00,000 सितारे हैं ना, तो नंबरवार होंगे ये एक जैसे होंगे? कोई पहले सतो प्रधान बनेगा पुरुषार्थ करके, कोई बाद में सतो प्रधान बनेगा, कोई पहले रूहानी स्टेज धारण कर लेगा, कोई बाद में करेगा। तो जो बाद में रूहानी स्टेज धारण करेंगे वो आएंगे तो जरूर 4, 6, 8, 10, 15, संगम युग है ही 100 साल का, ज्यादा से ज्यादा 100वीं साल में, अंतिम वर्ष में सतो प्रधान बनेगा।
लेकिन 84 जन्म पूरे लेगा या नहीं लेगा? है 84 जन्म। इसलिए तुम आते जरूर हो, वो नहीं आते हैं, तुम आते हो। ये तुम किससे कहा? जो बच्चे सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं उनसे तुम कहा जाता है, जो सन्मुख पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं उनसे वो कहा जाता है, दूर वाले। और जो पास में बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं, हैं तो पास में, कहेंगे यह है, लेकिन उनसे बात नहीं करते। यह है, इससे बात करते हैं या तुमसे बात करते हैं? जो सन्मुख बैठने वाले हैं, जो कभी विपरीत बुद्धि नहीं बनते हैं, सन्मुख माने सदा सामने, सदा सन्मुख, विमुख नहीं, सदैव सन्मुख। सम्मुख और विमुख भी दो तरह का होता है। एक होता है सामने बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। क्या कौरवों ने भगवान का ज्ञान सुना भी और क्या समझा? नहीं समझा भी, लेकिन अंदर से दुर्भावना भरी हुई थी, इस भगवान की ऐसी तैसी कर दें हम। शिशुपाल तो सामने ही गाली देता था, तो उन्हें सन्मुख कहा जाएगा या विमुख कहा जाएगा? बाहर से दिखाने के लिए सन्मुख और अंदर से विमुख, तो ज्यादा खतरनाक कौन से हुए? हाँ, जो सन्मुख होते हुए भी विमुख हैं, बाप के विमुख हैं। कोई ऐसे हैं जो बाप के विमुख नहीं होते हैं, परिवार के विमुख हो जाते हैं। अरे बाप तो बाप के साथ परिवार भी है या नहीं है? हैं कि बाप सन्यासी है, प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करके जाता है या निवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करके जाता है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करके जाता है। तो बाप की महिमा नहीं कर पाएंगे मुख से, और बाप के परिवार की भी महिमा मुख से नहीं कर पाते। ऐसी आत्माएं फिर उनको सन्मुख नहीं कहा जा सकता। आज नहीं तो कल फिर क्या होता है? आज नहीं तो कल नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते से उससे क्या होता है? दूसरे धर्म में खिसक जाएगी आत्मा, अधूरी रह जाएगी, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, कुसंग में आ जाते हैं। कुसंग में ना आने से सत्संग बनता है। सत्संग हम रोज करते रहे 8 घंटे और 4 घंटे कुसंग कर ले, तो रिजल्ट क्या आएगा? है क्या रिजल्ट आएगा? कुसंग ज्यादा लगेगा या सत्संग ज्यादा लगेगा? सत्संग का ज्यादा असर होगा? नहीं होगा, कुसंग का झट असर हो जाता है। तो बाप तुम बच्चों को 84 की नॉलेज देते हैं, ये पक्का याद करना है। ना उन धर्म वालों को देते हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के भारतवर्ष को, भारतवासियों को धोखा देके चले गए, ना इनको देते हैं। इनको माने जिनमें ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। क्या इस ब्रह्मा में मैं माँ बनकर के पहले आता हूँ? क्या कहते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव, पहले माता का नाम आता है। तो भगवान पहले क्या बन के आता है? पहले माता बनकर आता है। माता बनकर क्यों आता है? जब बाप का मर्तबा बड़ा है तो पहले ही बाप बन के आ जाए ना। माता बन के क्यों आता है? माता से पालना प्यार की अच्छी मिलती है। माता बच्चों को ज्यादा अच्छा संभालती है, सहन शक्ति ज्यादा होती है। बाप में सहन शक्ति इतनी नहीं होगी। बच्चा है, बच्चे को गोद में लिया है और उसको प्यार किया और उसने मुंह में पेशाब कर दी, हंस रहा है, तो बाप क्या करेगा? बाप तो गुस्से में आ जाएगा, थप्पड़ मार देगा। और अम्मा तो प्यार करेगी,
रात में बच्चे को पास में लौटाएगा, टट्टी पेशाब कर देगा तो बाप तो उठा के फेंक देगा, कहां मुसीबत पड़ गई आपकी जिंदगी में। अम्मा सूखी जगह में बच्चे को लिटाएगी और गीली जगह में रात भर खुद ठिठुरती रहेगी ठंडों की दोनों में। तो माँ में सहन शक्ति होती है, तो बाप भी, शिव बाप जो रूहानी बाप है वो भी पहले क्या बन करके आता है, ब्रह्मा बन करके आता है। क्या जिस्मानी पालना देता है, रूहानी ज्ञान की पालना देता है। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, क्या निकले, वेद। विद माने जानना, वेद माने जानकारी का आधार, ज्ञान। वेदों का भंडार, वेद जो है ज्ञान का भंडार है, लेकिन उस भगवान की वाणी को सब कोई नहीं समझ सकता है। जो बड़े बड़े कवि होते हैं उनकी कविता के मर्म को सब कोई जानता है क्या? बीए एमए की पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं फिर? वोई तुलसीदास के दोहे, वोई कवित, वोई चौपाइयां प्राइमरी स्कूल में भी रटाई जाती है और वोई बीए एमए में भी पढ़ाई जाती है, अंतर क्या हो जाता है? पर अर्थ में गहराई हो जाती है, उस गहराई को सब कोई नहीं जान सकता। माँ बेसिक तक पढ़ाएगी, कक्षा 2, 4, 5, 8 बी एमए की पढ़ाई, घर को पालने वाली अम्मा नहीं पढ़ाती। वो तो फिर जो ज्यादा गहराई में उतरा हुआ वो ही पढ़ा सकता है। तो पहले पहले माँ के रूप में बाप आया, ब्रह्मा जिसका नाम पड़ा दादा लेखराज। कोई कहे हम नहीं मानते वो ब्रह्मा है, अच्छा तुम ना मानो, प्रैक्टिकल सबूत दें तो मानोगे? हाँ मानेंगे, क्या है प्रैक्टिकल स्वरूप तो बताओ उनको। एक ही जन्म के अंदर दुनिया की कोई भी ऐसी संस्था बता दो जो सारे संसार में इतनी तेजी से फैल गई हो, बताओ कोई है? आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम सारी दुनिया में फैला हुआ है, भारत के गांव गांव में ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैले हुए हैं। किसकी आश्रम है? ब्रह्मा का नाम क्यों आया? नाम हटा दो, नाम किस लिए प्रख्यात होता है संसार में? कोई काम किया होगा तभी तो नाम प्रख्यात होता है। तो ब्रह्मा के द्वारा ऐसा काम हुआ है जो गांव गांव में, शहर शहर में, सारी दुनिया में वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैले हुए हैं, ये साबित करने के लिए कि ब्रह्मा भी इसी सृष्टि पर होता है, हुआ था पहले भी और अभी फिर हुआ है। बल ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी। क्या जो शरीर छोड़ देते हैं मनुष्य, अचानक शरीर छोड़ते हैं, अकाले मौत होती है तो भूत प्रेत नहीं बनते? तो ऐसे ही ब्रह्मा भी अचानक शरीर छोड़ दिया, हार्ट फेल हो गया, पूरी आयु नहीं हुई, पूरी आयु करने के लिए सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ। तो 68-69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो उस ब्रह्मा के लिए बोला इस तुमको बोलते हैं तुम, तुमको पढ़ाता हूं। मुरली में क्या बोला? मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, ये बीच में सुन लेता। वेदवाणी जो है मैंने किसको सुनाई? सुनाता हूं तुमको, तुम उसकी गहराई में जा सकते हो। ये वेदवाणी की गहराई में जाता ही नहीं क्या? ये नहीं जाता, ये जितना सुन लिया जैसे छोटे बच्चे रट लेते हैं ऐसे रट लेता है बस, तो इसको नहीं सुनाता हूं, तुमको सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि तुम समझते भी हो सुनने के साथ साथ, समझ और जब समझोगे तभी तो धारण करोगे। हाँ होते नंबर बार है, तो 84 के चक्र में तुम आते हो, न ये न इनकी कैटेगरी, न ब्रह्मा आता है
न ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी आते हैं। क्या तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी? वो है सिर्फ अम्मा कुमारी, और तुम हो अम्मा और बाप दोनों के कुमार कुमारी। तो बढ़िया कौन है? कोई बच्चा कहे मैं अम्मा का बच्चा हूँ, फिर पूछे अरे अम्मा के बच्चे हो, सच्ची सच्ची बताओ तुम किसके बच्चे हो, फिर अम्मा का बात अम्मा का नाम बताए, तो लोगों को शक पैदा होगा कि नहीं है? अरे ये अपने बाप का नाम नहीं बताता है, है? ये क्या दोगला है? या तो इसको माँ ने बताया ही नहीं। बाप का परिचय कौन देता है? माँ देती है। या तो माँ बीमार पड़ जाती है जन्म देते समय, तो बच्चे का मुखड़ा माँ ने नहीं देख पाया, भले बीमार पड़ जाती है, लेकिन बीजारोपण किसने किया ये तो जानती है। अब अगर बीजारोपण करते समय ही बेहोश हो जाए, उससे पहले ही बेहोश हो जाए, तो दूसरी बात। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो नाम रखा गया, वो बाप ने रखा या अम्मा ने रखा? ब्रह्मा ने रखा। जिस ब्रह्मा ने ये नाम रखा वो बाप को जानता है क्या? अगर जानता होता तो नाम रखता? मुरलियों में तो बाबा ने बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से मुरलियां बोली ना, माउंट आबू से ही बोली ना, उसमें तो बोल दिया। तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हो? अपन को प्रजापिता शब्द ऐड करो, तुम बाप के भी बच्चे हो, तुम कोई निवृत्ति मार्ग के थोड़े ही हो। आश्रम का नाम भी क्या रखना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब वो ब्रह्मा कुमार कुमारी लड़ाई लड़े ना, हमारा तो आश्रम का नाम है ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। अरे वो तो तुमने बाद में रखा है, जब बाबा ने ज्यादा फोर्स दिया। पहले तो ब्रह्मा कुमारी नाम था या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम था? ये जो चार चित्र छपे हुए हैं पुराने पुराने फोल्डर पुराने उनमें देखो, उनमें लिटरेचर में देखो, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखा हुआ है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखा हुआ है? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। इसका मतलब ब्रह्मा को बाप का पता था ही नहीं, खुद को ही पता नहीं था, तो परिचय कहां से दे? 69 में शरीर छोड़ दिया। किसने? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी बरकरार है, वो पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण भी बरकरार है, लेकिन वो बाप को नहीं जानते। हाँ, उनमें से जो ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले ट्रांसफर होने वाले निकलते हैं, जो मुरली में बोला है कि तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा, तो जिन बच्चों का क्लास ट्रांसफर हो गया उनका स्थान भी चेंज होगा कि नहीं? पढ़ने का स्थान भी चेंज हो जाता है। उनका टीचर चेंज होगा कि नहीं? उनका टीचर भी चेंज हो जाता है। तो वो बच्चे तुम बैठे हुए हो आगे की पढ़ाई पढ़ने वाले, एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले, तुमको 84 के चक्र का पता लग जाता है। न इनको पता लगता है, न दुनिया वाले उनको, दूसरे दूसरे धर्म वालों को पता लगता है। अरे हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में गए, पहले दुनिया में कौन सा एक धर्म था? है? है? एक ही देवी देवता सनातन धर्म तो ही तो था, जो बाद में हिंदू कहे गए, वो ही फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए, कन्वर्ट होते गए, कन्वर्ट होते गए। तो क्या ज्ञान सुना के कन्वर्ट किया उन्होंने या ग्लानी करके कन्वर्ट किया? है? हमारे रामकृष्ण देवताओं की ग्लानी करके उन्होंने कन्वर्ट किया। देखो तुम्हारे राम जंगलों में मारे मारे फिरते रहे, उनकी सीता रावण ने चुराया, ऐसा भी कोई राजा होता है? ऐसे राजा कोई सर्वशक्तिमान होता है? है? ऐसे राजा को तुम भगवान मानते हो जिसकी औरत उठाई ली? तो लोगों को शक पैदा हो जाता है, कच्ची कच्ची आत्माओं को, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई।
तो वो कन्वर्ट होने वालों को भी पता नहीं है क्या कि हम 84 जन्म 84 के पूरे चक्कर में आते हैं या नहीं, इनको भी ये और इनके फॉलोअर्स को भी ये पता नहीं है। तुमको पता है, तुम जरूर 84 के चक्र में आते हो। तुम बच्चों को 84 के चक्र की नॉलेज मैं देता हूं डायरेक्ट। क्या उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ब्रह्मा के थ्रू मिली नॉलेज? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के थ्रू मिली दीदी दादी दादाओं के द्वारा? और तुमको? तुमको कौन देता है? तुमको डायरेक्ट मैं नॉलेज देता हूं 84 के चक्र की। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं। क्या मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं? परंतु प्रैक्टिकल में तुम हो। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं का मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारे 84 के चक्र को जानता हूं, मैं अंतर्यामी हूं, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। जन्म मरण के चक्र में जो आता है वो पूर्व जन्म की बात जानता है कि भूल जाता है? हैं? भूल जाता है। तो तुम तो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हो, तुम तो भूल जाते हो। असल में तो मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूं। क्यों? जो 84 के चक्कर में आवे वो फिर नंबर में भी आवे। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं ऊपर से नीचे आती है ना, तो ये बड़ी रुद्रमाला है। कोई किस नंबर पे आता है, कोई किस नंबर पे आता है, कोई किस नंबर पे, उनके नंबर बन जाते हैं कि नहीं? तो मैं उस नंबर में नहीं आता हूं। मैं कोई माला के नंबर में नहीं आता हूं। 16,000 की माला है, 108 की माला है, 8 की माला है, ब्रह्मा की 1,000 भुजाओं की माला है, श्री श्री 1008 कहा जाता है। मैं कोई माला के चक्करों में कोई नंबर में नहीं आता हूं, परंतु तुम तो प्रैक्टिकल में आते हो। आते हो इसका मतलब आज नहीं तो कल तुमको पता चलेगा कि मैं कौन सी माला का मणका हूं। 8 का मणका हूं जो शिव भगवान के सर पे चढ़ाई जाती है, 108 की माला का मणका हूं जो गले में आती है, या 16,000 की माला का मणका हूं जो भुजाओं में चारों तरफ लपेटी जाती है। सहयोगी बनते हैं, कौन सी माला का मणका हूं? या सिर्फ 33 करोड़ देवताओं की माला है उसमें आता हूं? ये तुम प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हो तो तुम जानते हो। कब जानते हो? अभी इस संगम युग में तुमको पता चलेगा। तुम आत्मा रूपी एक्टर हो, जन्म जन्मांतर तुमने इस रंगमंच पर शरीर रूपी कपड़े बदल बदल करके तुमने पार्ट बजाए हैं, तो तुम होशियार एक्टर हो या बुद्धू एक्टर हो? होशियार तो उसको कहा जाएगा जो अपने पार्ट को पहचाने कि कौन से टाइम पर हमको क्या पार्ट बजाना है? है पहले पहले हमको ऐसा पार्ट बजाना है, त्रेता के आदि में ये पार्ट बजाना है, द्वापर के आदि में ऐसा पार्ट बजाना है, कलयुग में ये पार्ट बजाना है, पृथ्वीराज चौहान का पार्ट बजाना है, मीरा का पार्ट बजाना है, कौन सा पार्ट बजाना है सो मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो देह अभिमानी को मालूम होगा, या जो अपन को आत्मा समझेगा, दूसरों को आत्मिक रूप में देखेगा, उसको पता चलेगा? है तो पहले ये प्रैक्टिस करनी पड़े। क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़े? कि अपन को स्टार आत्मा देखो और दूसरों को भी स्टार आत्मा देखो, देह का ढांचा ना देखो, रूहानी दृष्टि बने, दैहिक दृष्टि न बने। विकार कब आते हैं? देह की दृष्टि देखते हैं तो विकार आता है। अगर आंखों को भी देख लिया तो भी देह की दृष्टि आ जाती है, तब विकार आता है। काम विकार आता है, क्रोध विकार आता है, अरे ये इतना नीच आदमी,
मैं इतना ऊंचा ऊंची पदवी वाला, इसने हमको ऐसी बात कैसे कह दी? बस हो गए शत्रु। तो क्रोध भी आता है, लोभ भी रूहानी दृष्टि से आता है या देवान की दृष्टि से आता है? लोभ भी देवान की दृष्टि से आता है, पदार्थों के प्रति लालच पैदा होता है, वो भी लोभ है। देह के पदार्थ है ना, पदार्थों का कनेक्शन देह से है या आत्मा से है? देह से है, तो लोभ आ जाता है। रसगुल्ला खाऊं, मोह, मोह का कनेक्शन देह से है या आत्मा से है? आत्मा बन गए तो 84 जन्मों में 84 बाप मिलेंगे, 84 जन्मों में पता नहीं कितने बच्चे हमारे बनेंगे, 84 जन्मों में पता नहीं कितने कितने संबंधी मित्र संबंधी बनेंगे, किसके किसके प्रति मोह रखेंगे। आज इसके साथ पार्ट बजाना है, कल उसके साथ पार्ट बजाएंगे, परसों उसके साथ पार्ट बजाएंगे, चोले बदलते जाएंगे, और पिछले जो चोले के साथ जो संबंधी थे उनसे कोई कनेक्शन रहेगा ही नहीं। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों विकार कब आते हैं? देवान से आते हैं, अपने को देह समझ, दूसरे को देह समझने से। तो बताया कि तुम प्रैक्टिकल में 84 के चक्र का पार्ट बजाते हो, इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। मैं हूं तो सुदर्शन चक्रधारी, मैं जानता हूं कि मैं इस 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में सिर्फ एक ही बार आकर के अंतिम जन्म में तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा के नर से नारायण जैसा देवता बना देता हूं, और तुम्हारे तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी भी बता देता हूं। मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूं, जैसे बीज गणित होता है, रेखा गणित होता है, तो उसमें इतना इतना जोड़ा तो इज इक्वल टू इतना आया, ऐसे में फार्मूला बता देता हूं। वो फार्मूले तुम लगाते जाओ है? और तुम अपने जन्मों को पहचानते जाओ, लेकिन पहचानेंगे तब जब तुम्हारी रूहानी दृष्टि बनेगी, आत्मिक दृष्टि बनेगी, तभी 84 के चक्र का ज्ञान तुम्हारे आत्मा रूपी पार्टधारी को होगा। देहभान होगा तो नहीं होगा। तो इन बातों से समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा में सारा ज्ञान है। क्या? किसमें सारा ज्ञान है? शिव में, अकेला नहीं बताया, दो शब्द बोले शिव बाबा। ये क्यों? शिव नाम है बिंदी का, ये बिंदी आत्मा का नाम कभी होता ही नहीं है। ए आत्मा इधर आओ, ऐसे कोई कहा जाता है? नाम शरीर के ऊपर पड़ता है या आत्मा के ऊपर पड़ता है? शरीर के ऊपर पड़ता है। तो तुम सब शरीर धारण करते हो, इसलिए तुम्हारे शरीर का नाम पड़ता है। मेरे शरीर का नाम, मेरे शरीर का नाम नहीं है। मैं शरीर धारण ही नहीं करता, मैं गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, मैं तो अजन्मा हूं। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदु। जब बिंदु मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, तो लोगों ने इतना बड़ा लिंग बना के क्यों पूजा करना शुरू कर दिया? इसका कारण क्या? इसका कारण ये कि मैं बिंदु आत्मा जब तक बड़ा रूप धारण न करूं, तब तक पार्ट कैसे बजाऊंगा, तुमको पढ़ाऊंगा कैसे, पढ़ाऊंगा है? माता कैसे बनूंगा तुम्हारी, पिता कैसे बनूंगा? भगवान के साथ तो सर्व संबंध होते हैं, मैं तुम बच्चों के साथ सर्व संबंध कैसे निभाऊंगा? साकार में प्रवेश करना पड़े, तो जो जिस साकार में मैं प्रवेश करता हूं, वो पुरुषार्थ करके अपने को बिंदु बना लेता है। क्या बनाता है? रूह बना लेता है, निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है। जैसे कि कान है ही नहीं, आंख है ही नहीं, देखते हुए न देखना, सुनते हुए
न सुनना। सारी दुनिया ग्लानी करती है कलंकी धर के, ग्लानी कलंक लगाती है, उसको कोई असर होता है? कोई असर नहीं। तो कान है कि नहीं है? कान है या नहीं है? कान कहाँ है? वो बिंदु को कान है? कान नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है उसके कान नहीं है? उसको कान है, लेकिन उसके कानों से सुन करके उसको कोई असर? क्यों? उन कानों से उसको लगाओ, उन कानों से उसका लगाव ही नहीं है, उस देह से उसका लगाव नहीं है। लगाव होने से पार्शियलिटी पैदा होती है। क्या? पार्शियलिटी कब पैदा होती है? पक्षपात कब होता है? कोई से लगाव होता है तो पक्षपात पैदा होता है। मेरा कोई भी देहधारी से कोई लगाव नहीं है, इसलिए मैं पक्षपाती नहीं हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं। इसलिए बताया कि तुमको समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है, शिव बिंदु में ज्ञान नहीं कहेंगे। क्या? बिंदु में क्यों नहीं कहेंगे? अरे स्पीकर रखा हुआ है, हैं? स्पीकर रखा हुआ है और कोई कहे कि इस स्पीकर में आवाज भरी हुई है, फिर वो बजे ही नहीं कभी, तो कहेंगे इसमें आवाज भरी हुई है, हैं? प्रैक्टिकल आदमी देखेगा ना, इसमें आवाज भरी हुई है या नहीं भरी हुई है? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? तो ऐसे ही उस सुप्रीम सोल में क्या रिकॉर्ड भरा हुआ है? वो जब तक शरीर धारण न करे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि उसमें ज्ञान है या नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है, पता कैसे चलता है ये शिव बाबा भगवान है? ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो दुनिया में कोई ने भी न सुनाया हो। वो तुरिया है, सारी दुनिया के मुकाबले बिल्कुल अलग है। तुरिया ज्ञान सुनाता है, ऐसा स्पेशल ज्ञान दुनिया में और कोई सुना ही नहीं सकता। तो वो निराकार ज्योतिबिंदु शिव साकार में प्रवेश करता है और साकार में प्रवेश करके उस पिता प्रजापिता के द्वारा जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है उसका भी मैं पिता बनता हूं। क्या? आत्माएं जो शरीर धारण करने वाली हैं उनका पिता कौन? सभी देहधारियों का पिता कौन? प्रजापिता। और प्रजापिता का पिता कौन? शिव। तो मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हुआ। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा बाबा हूं। तो शिव में सारा ज्ञान है ये भी नहीं कह सकते, देहधारी प्रजापिता में सारा ज्ञान है ये भी नहीं कह सकते। क्या कहें? शिव बाबा, शिव बाबा में सारा ज्ञान है। इसलिए दुनिया में 33 करोड़ देवताएं हो, चाहे दुनिया के सारे ही राक्षस हो, चाहे दुनिया के सारे ही मनुष्य हो, किसी का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा गया। एक शंकर ही है, जगत पिता, जगतम पितरम कहा जाता है ना, उसका नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोले नाम। शिव के साथ ब्रह्मा का भी नाम जोड़ेंगे नहीं, शिव के साथ विष्णु का भी नाम नहीं जोड़ेंगे, किसका नाम जोड़ेंगे? शंकर का नाम। कोई देवी का नाम जोड़ते हैं? देवी को भी तीसरा नेत्र दिखाया जाता है क्या? लेकिन उसका नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। ओम शांति।